हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरी बेबी गर्ल कंसीव हुई थी, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स थे उस टाइम पे जो बिल्कुल सही मैच किए थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी वो ट्विंस प्रेगनेंसी थी और उसमें मुझे बेबी बॉय कंसीव हुए थे, तो उसमें मेरे कौन कौन से ऐसे सिम्टम थे जो बिल्कुल सही साबित हुए थे उसका भी वीडियो मैंने जो है आपसे शेयर किया था और आप लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम था वो ये था कि कुछ लोग कहते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पे नींद बहुत आती है। जब मेरी बेबी गर्ल होने वाली थी तो मुझे उस समय नींद बहुत आती थी, मैं दिन रात सोती ही रहती थी, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आती थी। तो ये वाला जो सिम्टम था वो बिल्कुल सही साबित हुआ था। और जो दूसरा सिम्टम है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो चटपटा और तीखा बहुत पसंद आता है, तो ये वाला भी सिम्टम बिल्कुल सही साबित हुआ था। मुझे उस टाइम पे चटपटा और तीखा बहुत ही अच्छा लगता था, मुझे उस टाइम मीठा वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं था शुरू से लेकर लास्ट मंथ तक। तीसरा सिम्टम जो था वो ये था कि जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो हमारे चेहरे पे बहुत ही ज्यादा ग्लो आ जाता है, तो ये वाला भी सिम्टम बिल्कुल सही साबित हुआ था। उस समय जब मेरी बेबी गर्ल होने वाली थी तो मेरे चेहरे पे बहुत ही ज्यादा ग्लो था। चौथा सिम्टम था वो ये था कि जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो पूरी बॉडी पे फैट बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये वाला भी सिम्टम बिल्कुल सही साबित हुआ था। उस समय मेरी पूरी बॉडी पे फैट बहुत ही ज्यादा था और मैं बहुत ही ज्यादा उस टाइम तगड़ी हो गई थी। और पांचवा जो सिम्टम्स था वो होता है पेट को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं कि जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो उस समय जो हमारा पेट होता है वो पूरी चारों तरफ से फैल जाता है और जो है उस समय कमर वगैरह भी काफी ज्यादा दिखाई पड़ने लगती है, तो उस समय जो मेरा पेट था वो बिल्कुल फैला हुआ था और आगे की तरफ बिल्कुल नहीं था और उस समय कमर वगैरह भी बहुत ही ज्यादा पता चलती थी, तो ये वाला जो सिम्टम था वो भी बिल्कुल सही साबित हुआ था। और जो छठवां सिम्टम था वो ये था कि कुछ लोगों का मानना है कि जब बेबी गर्ल होने वाली होती तो वो बहुत ही ज्यादा हलचल करती है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बेबी गर्ल होने वाली थी तो वो उस समय बहुत ही ज्यादा हलचल करती थी और वो सिर्फ एक जगह हलचल नहीं करती थी बल्कि वो पूरे पेट में चारों तरफ हलचल करती थी, तो ये वाला जो सिम्टम था वो भी बिल्कुल सही साबित हुआ था। तो बस ये जो बहुत ही ज्यादा कुछ फेमस सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि इसमें से कौन कौन से मेरी प्रेगनेंसी में मैच किए थे। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपके कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैच करते हैं और कौन से नहीं मैच करते हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरी बेबी गर्ल जो है वो काफी बड़ी हो चुकी है, लगभग 5 साल की हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ सिम्टम्स हैं जो आज भी याद थे, तो बस आपके साथ मन किया शेयर करने का, इसलिए आपसे कर दिए। तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी की बॉडी, हर किसी के हार्मोनल चेंजेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ये बस लोगों की धारणाएं हैं, क्योंकि बेटी हो या बेटा हो सभी ऊपर वाले की देन है, ये बस कुछ लोगों का मानना है और कुछ भी नहीं है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।